रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर। इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ प्रोसेस इन विच इकोनॉमिक रिसोर्सेस आर यूज टू ऑब्टेन सम क्लियर एंड डिफाइंड एम्स इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। इकोनॉमिक प्लानिंग उसे कहते हैं कि हमारा जो रिसोर्सेस है, इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, उसका प्रॉपरली एक डिफाइंड एम में, मतलब एक लक्ष्य को निर्धारित करके, एक समय निर्धारित करके, जब इस प्रोसेस को प्रॉपरली किया जाता है कि हम इसको डेवलप करना चाहते हैं, उसको इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। दस इट कैन बी सेड दैट टू थिंग्स आर एसेंशियल इन इकोनॉमिक प्लानिंग सच एज। और इस इकोनॉमिक प्लानिंग को करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले फर्स्ट कि प्री डिसाइडेड हो एम, जो एम है, जो लक्ष्य हम तय कर रहे हैं वो पहले से डिसाइड करें और उसको फुलफिल करने की पूरी तरह से कोशिश करें। डिस्क्रिप्शन ऑफ यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज टू ऑब्टेन द प्री डिटरमाइंड एम्स। जो भी इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज हैं उसका प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन हो, अवेलेबल हो, कि हमें क्या क्या चाहिए इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, वो भी पहले से ही डिसाइडेड हो। प्लानिंग इन इंडिया एंड एम ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट जो प्लानिंग किया गया था वो 1934 में सर विश्वेश्वरैया प्रेजेंटेड अ 10-year प्लान फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम जिन्होंने किया था वो थे आपके, इनका बर्थडे आज इंजीनियर्स डे के नाम से मनाया जाता है 34 में। और देन 44 में, 10 साल बाद, एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया के ही, श्रीमन नारायण ने ये प्लान पेश किया था, गांधीयन प्लान करके, गांधीवादी योजना नाम से। लेकिन वो दोनों ही आपके सक्सेसफुल नहीं रहे, इम्प्लीमेंटेड नहीं हुए, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल रीजन थे। आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन ऑर्डर टू मेक प्लान्स फॉर द कंट्री द प्लानिंग कमीशन वॉज सेट अप ऑन 15th March 1950 फॉर द कंट्री। बाय नाउ 12 5-year प्लान्स हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय दिस कमीशन एंड इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस के बाद 15 मार्च 1950 में एक प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई और उन्होंने 5-year प्लान नाम की एक योजना बनाई, जो कि 12 5-year प्लान आज तक हो चुका है, 13 रनिंग है। अब इसको इन ब्रीफ द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इन प्लानिंग के, इंडियन प्लान्स आर एज बिलो। टू ऑब्टेन हाई रेट ऑफ डेवलपमेंट, हम क्या चाहते हैं, डेवलपमेंट हो हाई रेट का। टू ऑब्टेन सेल्फ डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता, जो आज भी बहुत ही मीनिंगफुल वर्ड है। टू ऑब्टेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी चाहते हैं। ये सारी चीज़ें 5-year प्लान से के ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू एंश्योर सोशल वेलफेयर, सामाजिक भलाई का काम भी हो। ऑब्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, न्याय भी हो, कोई एक ग्रुप अमीर और कोई एक ग्रुप गरीब का गरीब ना होता रहे, ये भी ध्यान में रखना होता है। द इंक्रीज टू इंक्रीज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़े। टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पॉवर्टी इरेडिकेशन, हमारे रहन सहन का जो लाइफ स्टाइल है वो इम्प्रूव हो और गरीबी दूर हो। ये 5-year प्लान है, प्रॉपरली आप थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे। ये हमेशा ही फर्स्ट अप्रैल को लागू होता है और 31 मार्च नेक्स्ट ईयर फिनिश होता है। फिनिश डेट होती है 31 मार्च और वह स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, ठीक है, 5-5 साल बाद। अभी 12th 5-year प्लान फिनिश हो गया, 13 रनिंग है। सक्सेस एंड फेलियर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, फर्स्ट पॉइंट। ये जो 5-year प्लान्स हैं
वह सक्सेस तो हुए ही हैं, वो तो दिख ही रहा है। हमारा आज का भारत आज से 60 ईयर्स पहले के भारत से बहुत इम्प्रूव्ड है। फेलियर और सक्सेस दोनों ही हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। पॉइंट से ही समझ में आ रहा है कि 5 ईयर प्लान का फर्स्ट पॉइंट था कि इंक्रीज हो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, इंक्रीज भी हुआ है। इंक्रीज इन रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। सम पोर्शन ऑफ द नेशनल इनकम इज इन्वेस्टेड यूज्ड फॉर प्रोडक्शन फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ईच प्लान। हाई टारगेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वेयर फिक्स्ड। 5 ईयर प्लान जब भी मेक हुआ तब हमारे जो थिंकर्स हैं उन्होंने सोच के रखा, इकोनॉमिस्ट ने, कि जितना हम लगाएंगे उतना ही हम सेव भी करेंगे, विच हैव नेशनल इनकम को जितना हम इम्प्रूवमेंट के लिए, देश के इम्प्रूवमेंट या उन्नति के लिए लगाएंगे उतना ही हम सेविंग भी करेंगे, विच हैव नियरली बीन अचीव्ड। द ग्रॉस सेविंग ऑफ इन्वेस्टमेंट रेट्स इन अ ईयर 1950-51 में कितना था, 8.9 और 8.7%, और 2005-06 में 32.4 और 33.8%, 32.4 इन्वेस्टमेंट, 33.8 सेविंग्स। डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, मैक्सिमम 5 ईयर प्लान हमारे कंट्री में हमने एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए ही किया है। तो नेचुरली कि पहले बहुत ही पुराने मेथड से एग्रीकल्चर होता था जो कि आज काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तो हमारे कंट्री में बहुत कम था, फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाना। देयर हैज बीन अ रिमार्केबल इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग वेरियस 5 ईयर प्लान्स। टुडे इंडिया हैज बीन द 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडियाज प्रोग्रेस कैन बी एस्टिमेटेड बाई द फैक्ट दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन द फॉरेन ट्रेड is gradually increasing. Iron and steel, engineering goods, chemical and cement, etc., basic and heavy industries were set up in the country during the earlier plans. During this period, role of public sector became important. In the year 1950-51, the number of public enterprises was only 5, which rose up to 242 in March 2006. इस फील्ड में हमने काफ़ी प्रोग्रेस किया और आज वर्ल्ड हमारी तरफ देखता है कि कोई भी चीज़ अगर प्रोड्यूस करना है तो इंडिया भारी मात्रा में प्रोड्यूस कर सकती है। इंक्रीज इन पावर जनरेशन, ये भी ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज्ड कंसिडरेबली। बहुत ज़्यादा हमारे डैम्स बने और आपके पावर जनरेशन कि जितने भी मेथड्स हैं वो सारे इस 5 ईयर प्लान को प्लान में ध्यान में रखते हुए काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई। इंक्रीज इन सेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, रोड्स अच्छे बने उसी के हिसाब से ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी इंक्रीज हुआ। एजुकेशन एंड हेल्थ, प्रायर टू फर्स्ट 5 ईयर प्लान देयर वेयर 27 यूनिवर्सिटीज बट नाउ दे आर 389 इन नंबर्स। लिटरेसी वगैरह के लिए जितने भी स्कूल्स हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, सारे क्षेत्रों में हमने काफ़ी बड़ी मात्रा में डेवलपमेंट किया। लेकिन ये डेवलपमेंट कम इसलिए पड़ जाता है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी साथ ही साथ उसी मात्रा में बढ़ती गई। प्रोग्रेस इन बैंकिंग सेक्टर, द बैंकिंग सर्विसेज हैव एक्सपेंडेड considerably during the planning period. In December 1951, the number of branches of commercial banks in the country was 2,647, which
by the end of June 2006 increased to 69,616. Increase in export and import. Ye bhi kafi improve hua. Shortcoming of economic planning in India. Ab failures ya परेशानियाँ या हमारे 5-year plan में और development होना था, क्यों नहीं हुआ ये पढ़ेंगे हम. The failure of planning in India can be understood in the following ways. हमें समझ में आएगा इन points. First one, slow progress in per capita income. ये नहीं हुआ कि हमारे general people की कमाई बहुत कम बढ़ी. Regional imbalance. पहाड़ी इलाका है, बहुत समुद्र का किनारा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे टोपोग्राफी है इंडिया की, इसलिए हर जगह एक बराबर डेवलपमेंट नहीं हो पाया. अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को हम तुलना करें हमारे उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से, तो वो काफ़ी पीछे हैं आज भी, क्योंकि उनकी टोपोग्राफी भी बहुत डिफरेंट है. थर्ड पॉइंट, इंक्रीज इन प्राइसेस. द प्राइसेस आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग सिंस द पीरियड ऑफ प्लानिंग. महंगाई बढ़ती ही गई, महंगाई पर हम कंट्रोल नहीं कर पाए. इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट. हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से इतनी डेवलपमेंट के बावजूद भी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी बढ़ती गई. Increase in the disparity of income and wealth. An important objectives of economic plan has been removal of centralization of wealth and to increase the economic equality. Economic planning के हिसाब से कभी भी centralization नहीं होना चाहिए धन का, wealth का centralization नहीं होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए कि एक के पास ही सारा धन है. लेकिन हमारे यहाँ यही हुआ कि रिच लोग कंटिन्यूसली रिच होते गए और पुअर और ज्यादा गरीब. फेलियर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. यस, जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर मींस गवर्नमेंट सेक्टर्स, वो लगातार फेल होते रहे. आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है BSNL. आज फोन आप लेते हैं या आप किसी तरह का सिम मांगते हैं तो आप क्या लेते हैं, प्राइवेट कंपनीज को ही प्रेफर करते हैं बजाय लैंडलाइन या BSNL के सिम्स का, क्योंकि BSNL लगातार घाटे में चल रही है. ऐसे ही ढेरों कंपनियां हैं जो कि गवर्नमेंट की हैं और वह कंटिन्यूसली अच्छा काम नहीं किया है आज तक. इंडिया विजन 2020, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमने सोचा था. In January 2003, the Planning Commission of India issued an important document named India Vision 2020. According to this document, till the year 2020, India will be included in the category of developed countries. As a result of this, unemployment, poverty, illiteracy will be completely eradicated from the country. The Planning Commission has estimated that by the year 2020, 135 crore of country's population will be better nourished, will be good living standard and be completely healthy. Average age of population will increase. ये 2003 जनवरी में Planning Commission of India ने एक plan बनाया और उसका नाम रखा India Vision 2020, जिसमें उन्होंने document के हिसाब से उन्होंने plan किया कि हम 2020 में आकर इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में देखेंगे. उससे क्या होगा कि हमारे देश से गरीबी, बेरोजगारी और निरक्षरता खत्म हो जाएगा और हम धीरे धीरे हेल्दी, हमारे जितने भी पॉपुलेशन है 135 करोड़ पॉपुलेशन क्या होगी, अच्छे से रहेंगे, गुड लिविंग स्टैंडर्ड होगा हमारा और हम सभी काफ़ी हेल्दी होंगे और एवरेज एज जो है पॉपुलेशन की बढ़ेगी. नीति आयोग, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑल्सो कॉल्ड नीति आयोग, वॉज
constituted by the Government of India of January 1, 2015 to replace the Planning Commission. Planning Commission की जगह पर अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे Planning Commission, जो 5-year plan बनाया और India Vision 2020 भी Planning Commission ने बनाया. अब उस Planning Commission का नाम बदलकर हो गया है नीति आयोग, जो नाम 1 जनवरी 2015 में रखा गया है. नीति आयोग इज द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक, इसको थिंक टैंक भी कहा जाता है, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोवाइडिंग बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स व्हाइल डिजाइनिंग स्ट्रेटजी एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नीति आयोग ऑल्सो प्रोवाइड्स रिलेवेंट टेक्निकल एडवाइस टू द सेंटर एंड स्टेट. नीति आयोग टेक्निकल ज्ञान भी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट.